हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। कह रहा है इफ पॉइंट्स, यहाँ पे थ्री पॉइंट दिए हैं, ये कोलिनियर है, देन टी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 16 नंबर से देखते हैं क्या दिया है कि ए टी कॉमा टू टी, ले ले सपोज कर लेते हैं, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -26 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 31। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आर कोलिनियर, कोलिनियर। तो जब ये कोलिनियर कह रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 * y1 - y2 = 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/2 उधर जाकर 0 हो जाएगा। इसी में से इन तीनों में से आप एक को x1 y1 ले लो, एक को x2 y2 ले लो और एक को x3 y3 ले लो और फॉर्मूले में यहाँ पे रख देते हैं। 1/2 तो जाके 0 हो गया। अब देखिए क्या होता है। चलिए देखिए, x1 के प्लेस पे है t, y2 - y3 यानी 6 - 1, x2 के प्लेस पर है यहाँ पर -2, y3 - y1 1 - 2, x3 के प्लेस पे है 3, y1 - y2 यानी 2t - 6। यहाँ पर 5t हो जाएगा, -2 और +4t +6t -18 = 0। यहाँ देखिए 6 = 15t और यहाँ -20 = 0। 15t = 20 यानी आ जाएगा यहाँ पे t = 20/15। 4 और यहाँ 3, 4/3 आ जाएगा t के वैल्यू। तो देखिए, तो ऑप्शन में 4/3 कौन सा है, तो बी नंबर ना दिख रहा है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज पॉइंट्स इज 5 स्क्वायर यूनिट। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x 2x, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -26 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 31 आर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इसका एरिया दिया हुआ है यहां पर 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला तो जानते हैं, 1/2 x1 * y2 - y3 + x2 * y3 - y1 + x3 * y1 - y2 = ±5। एरिया तो दोनों लेना होगा, प्लस माइनस दोनों। तो इसमें से एक को x1 y1 सपोज करेंगे, एक को x2 y2 और एक को x3 y3 और इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ये डिवाइड वाला उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, x1 का वैल्यू x y2 - y3 6 - 1, x2 का वैल्यू है यहाँ पर -2 y3 - y1 यानी कि 1 - 2x, x3 का वैल्यू 3 है y1 - y2 यानी कि हो जाएगा 2x - 6 = ±10। अब इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 5x - 2 + 4x + 6x - 18 = ±10। यहाँ पर आ जाएगा 15x - 20 = ±10। 15x = +20 और +10। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो 15x = 20 + 10 और हो सकता है 15x = 20 - 10। तो 15x = 30 यानी x = 2 आ जाएगा। 15x = 10 यानी x = लिख सकते हैं 10/15, 2 और यहाँ पे 5। तो x का वैल्यू 2/5 और आपका 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो 2/5 देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, 2/3, x का वैल्यू 2/3 या फिर 2, तो 2/3 या 2 देखेंगे, तो 2/3 है यहाँ पर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ यहाँ पे 3 पॉइंट दिए, कोलिनियर है, देन 1/a + 1/b = 1। ऐसा हम लोग प्रूव किए हैं, 1 आता है कि नहीं। चलिए अब इसको बना के भी देख सकते हैं। आप देखो ना, कोलिनियर है a, a, 0, b, 0, b एंड c, 1, 1।
आर कोलिनियर। जब ये कोलिनियर है तो हम लोग जानते हैं 1/2 एक्स वन के प्लस पे 1 बी माइनस 1 वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू के प्लस पे 0 वाई थ्री माइनस वाई वन, ठीक है, एक्स थ्री के प्लस पे 1 वाई वाई वन माइनस वाई टू, ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए बी माइनस ए, ये 0, यहाँ माइनस का बी इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू में ए बी, इसको ले आएंगे डिवाइड में, या ए बी से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे भी, या फिर ए बी से बोथ साइड डिवाइड भी कर देते हो जाता है, ए बाई में ए बी प्लस बी बाई में ए बी इक्वल टू में 1, ठीक है, ए से ए यहाँ कटा, बी से बी यहाँ कटा, तो गया 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1, 1/a और ये प्लस 1/b इक्वल टू में 1, ऑप्शन हो गया ये नंबर, समझ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज 1/4 एंड 2 इट्स ऑफ वर्टेक्स यहाँ दिया है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ए इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4-3, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर -9-7 और सी का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इसको x3y3 ले लेते हैं, इसको पहले निकालना होगा, जबकि इसका सेंट्रॉयड दिया है 1/4, तो सेंट्रॉयड ही निकालने के लिए आप यहाँ पर सेंट्रॉयड जब दिया है तो सेंट्रॉयड निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना जी, यहाँ हो जाएगा 4 - -9 + x3/3 -3 + 7 + y3/3 इक्वल टू में 1.4। चलिए यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 + x3/3 और यहाँ 4 + y3/3 इक्वल टू में 1.4, अलग अलग कर देते हैं, -5 + x3 इक्वल टू में हो जाएगा 3 × 1 = 3 और यहाँ 4 + y3 इक्वल टू में 3 × 4 = 12। यहाँ पे x3 का वैल्यू 8 आ जाएगा और यहाँ y3 का वैल्यू भी 8 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका 8.8 कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये x1y1 है, ये वाला x2y2 है और अब इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगा देते हैं। तो हम लोग तो फार्मूला जानते ही हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डायरेक्ट लगा देते हैं, फार्मूला बहुत बार लिख चुके हैं, 1/2 x1 के प्लेस पे है 4 y2 - y3 7 - 8 प्लस x2 के प्लेस पे है -9 y3 - y1 यानी 8 - -3 यानी प्लस हो जाएगा, x3 के प्लेस पर है 8 y1 - y2 यानी -3 - 7। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 1/2 4 - -1 - 9 - 11 8 - -10, ठीक है, चलिए 1/2 अंदर -4 - 99 - 80, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों को माइनस में ऐड कर लेंगे तो 1/2 * में कितना हो जाएगा आपका -183, ये पॉजिटिव ही लेंगे 183/2 square units। चलिए 183/2 square units यानी कि बी नंबर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो, व्हाट रेशियो, यही पूछ रहा है। देखिए एक पॉइंट ले लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट है -3 - 4, एक पॉइंट ले लेते हैं बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 - 2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ना उसको वाई एक्सिस जो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, अब वो रेशियो क्या है वो आपको नहीं पता है, जैसे मान लीजिए यहीं से वाई एक्सिस जा रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस, तो जाहिर सी बात है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई जो भी होगा, ये हम लोग ले लेते हैं के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये आपका एम रेशियो एन ये हो जाएगा, ये x1y1 और ये आपका x2y2। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसके कोऑर्डिनेट की तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला में mx2 + nx1 / (m+n) my2 + ny1 / (m+n) तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए m के प्लेस पर है कि x2 है 1 प्लस n की जगह पर 1 x1 है -3 बाई में k + 1 k * -2 + 1 - 4 बाई में k + 1 इक्वल टू में 0.y। हमें सिर्फ k का ही वैल्यू निकालना है, रेशियो निकालना है ना बस,
तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को ही इक्वल कर दो ना, वाई को जरूरत नहीं है कुछ करने की। के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी के का वैल्यू यहाँ 3 आ गया। तो रेशियो आपका क्या था, रिक्वायर्ड रेशियो क्या था, रिक्वायर्ड रेशियो क्या था, के रेशियो 1 ना, यानी हो जाएगा 3:1। तो ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21-22, रेशियो ही फाइंड करना है तो पहले मैं यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ, ताकि मैं दो बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन वाई में एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस का एन वाई वन वाई में एम प्लस एन। चलिए 21 नंबर से देखते हैं, रेशियो हमें निकालना है जबकि 4.5 जो पॉइंट है डिवाइड करें इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1.23 बी और एक पॉइंट ले लेते हैं 7.8, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट ए भी देख रहे हैं ना, इसको 1.45 जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किस रेशियो में ये हमें फाइंड करना है। चलिए मान लेते हैं कि वो पॉइंट सी यहाँ है 4.5, ये इसे के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये रहा एम रेशियो एन, ये रहा एक्स वन वाई वन और ये रहा एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग सेक्शन फॉर्म लगाएंगे, तो एम का वैल्यू के एक्स टू का 7 प्लस एन का 1 एक्स वन का 2 वाई में एम प्लस एन, यानी कि हो जाएगा के प्लस 1, के इंटू 8 प्लस का 1 इंटू में 3 वाई में के प्लस 1 इक्वल टू में 4.5, कोई एक एक्स या वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो आ जाएगा। तो 7k प्लस 2 वाई में k प्लस 1 इक्वल टू में 4, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, 7k प्लस 2 इक्वल टू में 4k प्लस का 4, इसको इधर लाएंगे तो 3k और इसको उधर एक्सेप्टेड करेंगे 2, यानी k का वैल्यू आ जाएगा 2/3, तो रेशियो 2:3 हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पे, 22 नंबर देखिए, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट। चलिए देखते हैं 22 नंबर, एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 3:6, बी एक पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 12-3, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट ए भी है ना, इसको एक्स एक्सिस जो है किस रेशियो में काट रहा है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, मान लो यहाँ से हमारे एक्स एक्सिस से आ रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, तो ये हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पे डिवाइड जो कर रहा है वह के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका एम रेशियो एन हो गया। अच्छा, इस पॉइंट का क्या क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ना हो जाएगा, ये एक्स वन वाई वन और एज ये एक्स टू वाई टू। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, सेक्शन फार्मूला, तो हो जाएगा के इंटू में 12 प्लस का 1 इंटू में 3 बाई में के प्लस 1, के इंटू माइनस का 3 प्लस 1 इंटू में 6 बाई में के प्लस 1 इक्वल टू में एक्स कॉमा 0। तो वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 दिया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा पहले वाले को लेंगे, तो माइनस 3k प्लस 6 बाई में के प्लस 1 इक्वल टू में 0, जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू में 0, तो यहाँ सॉल्व करेंगे k का वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी रेशियो आपका 2:1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 22 का ए नंबर हो जाएगा, समझे ना। 23 नंबर क्या है, देखिए क्या, इफ द कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दिस इज एट ओरिजिन, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, समझिए, यहाँ पर ओरिजिन है इनका सेंट्रॉइड, जबकि इनके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया है a, b, c, and c, a, तो इसका ओरिजिन कह रहा है सेंट्रॉइड, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए बाई 3 इक्वल टू में 0:0, तो दोनों कंडीशन से यही मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो देखिए आप एक जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, ये होता है ना जी। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रख देते हैं, 0 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, इधर है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस थ्री ए बी सी, माइनस थ्री ए बी सी उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा थ्री ए बी सी। चलिए ऐसे हम लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर, इसका डी आंसर हो जाएगा, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है ए 3.1, बी 5.P एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 7.-5, आर कोलिनियर। ये जब ये कोलिनियर कह रहा है, यहाँ पे एरिया हम लोग क्या ले लेंगे, जीरो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में जीरो। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 एक्स वन इंटू में वाई टू माइनस का वाई थ्री प्लस का एक्स टू इंटू में वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू में जीरो। ये डिवाइड में चल जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप देखो इसी में से क्या करेंगे ना, एक आपका एक्स वन वाई वन हो जाएगा, एक एक्स टू वाई टू हो जाएगा और एक एक्स थ्री वाई थ्री हो जाएगा। एक्स वन के प्लेस पर है थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री यानी पी प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स टू के प्लेस पर है फाइव, वाई थ्री माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन हो जाएगा। एक्स थ्री के प्लेस पर है सेवन, वाई वन माइनस वाई टू यानी वन माइनस पी इक्वल टू में जीरो। आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखिए क्या होता है सॉल्व करने पर, थ्री पी प्लस का 15, यहाँ देखिए माइनस सिक्स और सिक्स फाइव जाए यहाँ पे 30, प्लस सेवन माइनस का 7P इक्वल टू जीरो। इसमें से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4P, इन दोनों को ऐड कर देंगे 22, माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू में जीरो। माइनस का 4P इक्वल टू प्लस का 8 हो जाएगा डिवाइड में, पी का वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, तो 24 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दिस इज 6 3, एक्स वाई के वैल्यू निकालना। देखिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया, 7, x, y, -6 एंड 9, 10, और इसका सेंट्रॉइड जो है ना यहाँ 6.3 दिया सेंट्रॉइड। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट ही लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव है, 7 + y + 9/3, ठीक है, और फिर हो जाएगा x + -6 + 10/3 इक्वल टू में 6.3। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 16 + y/3, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x + 4/3 इक्वल टू में 6.3। x कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देते हैं, तो x + 4/3 इक्वल टू में 3, 16 + y/3 इक्वल टू में 6, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से क्या, x + 4 इक्वल टू में 9, एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा, और 16 + y इक्वल टू में 18 यानी वाई का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो 5.2 एक्स वाई यही ना आया, 5 और 2 है, डी नंबर हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 4.7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि 7 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ग्राफ बनाकर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक्स एक्स डैश ये वाई और नीचे वाई डैश ले, क्या है 4.7 यही पॉइंट है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ना हो रहा है 7, और एक्स एक्सिस से अगर पूछता वाई एक्सिस से पूछता है तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, समझे ना बात को। 27 नंबर देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 28 नंबर से देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफ पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ऑन ओ वाई सच एज ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अच्छा देखिए क्या होगा इसके लिए, यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। अब समझ लो इसको ध्यान से, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस से लेकर समझेंगे तो और बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश क्या कर रहा है, पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 3 मिनट। अच्छा पी क्या है, पॉइंट है किस पर, एक्स एक्सिस पर, जिसका डिस्टेंस है ओरिजिन से कितना, 3 मिनट, यानी कि वह पॉइंट पी इधर या इधर हो सकता है ना जी। चलिए यहाँ हो सकता है या इधर हो सकता है, थोड़ा आप आगे पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू ऑन वाई एक्सिस सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अच्छा देखिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, क्यू इस पे है, ठीक है कहीं, तो आप देखिए ये 3 यूनिट है तो इसका कोऑर्डिनेट 3 0 होगा,
तो ये 3 यूनिट है, तो ये OP इक्वल टू OQ का रहा, तो ये भी 3 यूनिट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0.3 ना, 0.3 हो जाएगा, यानी कि A नंबर हो जाएगा। बात को समझे ना, तो अगर ये P पॉइंट को इधर भी लेते ना, ये 3 यूनिट यहाँ भी लेते, तब भी देखो ये हमें पॉइंट Q है किस पर, OY पर, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो भी Q का कोऑर्डिनेट यही आता, इसमें कोई फर्क नहीं आता, समझे ना बात को। क्वेश्चन नंबर 29 लिखते हैं, इफ द पॉइंट x,4 लाई ऑन द सर्कल whose center at the origin and radius is 5। चलिए समझिए, सर्कल है, सर्कल पर ही लाई कर रहा है एक पॉइंट, ये ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x,4। अच्छा, इसका सर्कल का सेंटर ओरिजिन है 0,0 इसका कोऑर्डिनेट है, एंड इसका रेडियस 5 है, 5 यूनिट, ये यानी कि यहाँ पे OA इक्वल टू में 5 दिया है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, 5 यूनिट दिया है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो OA स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर 16 और इधर 25, इधर जाकर सब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 9, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3, तो बी नंबर हो जाएगा 29 का। सो 30 नंबर देखिए, इफ द पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अच्छा, पी पॉइंट जो है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन, ये ए और बी से इक्विडिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, 5,1 इसका कोऑर्डिनेट है और यहाँ बी का है -1,5। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पी ए जो है पी बी के इक्वल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, पी ए जो है पी बी के इक्वल कह रहा है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ए पी ए स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा पी बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, इधर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में वाई माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू में वाई इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, माइनस का 10x माइनस का 2y, 2x माइनस का 10y, इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं, माइनस 10x माइनस का 2x और इधर माइनस का 10x प्लस का 2y। चलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 12x माइनस का, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस का 8y। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 3x और इधर 2y, 3x इक्वल टू में 2y। ऑप्शन देखिए, आपका सी नंबर सही आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर ये वर्टेक्स हैं स्क्वायर के, ठीक है, तो पी का वैल्यू निकालना, तो पहले एक स्क्वायर बना ही लो, ए बी सी डी इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास है 5,P, बी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 1,5, सी का कोऑर्डिनेट है 2,1 और डी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 6,2। तो हम लोग जानते हैं कि ये भी डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, इसी से काम बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 5 + 2/2 एंड p + 1/2 इक्वल टू 6 + 1/2 एंड 2 + 5/2। वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो, p + 1/2 इक्वल टू में 2 + 5/2, ये इसे कट जाएगा, p + 1 इक्वल टू 7, पी का वैल्यू 6 आ जाएगा, यानी सी नंबर इसका वन आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस आर क्या होगा, सर्कम सेंटर क्या होगा। देखिए आपको पता है सर्कम सेंटर के बारे में जानते हैं हम लोग कि ट्रायंगल के, इस तरह से समझ लीजिए, ट्रायंगल का वह पॉइंट होता है अंदर का जिससे तीनों वर्टेक्स जो होता है इक्विडिस्टेंस पे होता है, उसी को सर्कम सेंटर कहते हैं। तो ये सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल है, जबकि एक यहाँ ओ का कोऑर्डिनेट दिया है आपके पास 0,0, ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ए का दिया है 1,0 और यहाँ बी का दिया है 0,B, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक काम करिए, ये हम लोग इसको कोऑर्डिनेट को एक्स वाई ले लेते हैं, इसको पी ही पॉइंट देते हैं, अच्छा रहेगा इस तरह से। तो ये पी पॉइंट जो सर्कम सेंटर हो रहा है, ये ओ से ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस होगा ना जी,
बिल्कुल इक्विडिस्टेंस पर होगा। यहाँ पे यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू में पी बी इक्वल टू में पी ओ, बात को समझे ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पर लेते हैं पी ए स्क्वायर इक्वल टू में पी ओ स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस में वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का टू ए एक्स इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस का, ये जाएगा डिवाइड में, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए बाई टू, ए बाई टू। अच्छा सिमिलरली हम लोग यहाँ पर हो जाएगा पी बी इक्वल टू में पी ओ, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस में y माइनस जीरो का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस का वाई बी स्क्वायर और इक्वल टू में इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पर। अच्छा ये माइनस का टू बी वाई इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो बी का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी वाई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर बी बाई टू। देयरफॉर पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पी का कोऑर्डिनेट हो गया ए बाई टू एंड बी बाई टू। चलिए तो यहाँ ए बाई टू बी बाई टू यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 32 का, समझ गए। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके पूरे एक्सरसाइज में दिए हुए, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।